भाई ऐसे लोग जिनको देखकर तुम भैंस बन जाओगे, अगर तुम इनकी आंत के पराठे खाओगे तो तुम इन्हीं की जैसे पतले हो जाओगे। भाई पराठों के साथ साथ पापा की परियों को भी उड़ना सिखाता है। अगर कभी भगवान जी के पास जाने का मन करे तो भाई से मिलते जाना, क्योंकि भाई तरबूज के साथ साथ लोगों की गर्दन भी काटता है। अगर तुमने कभी इतनी बड़ी रोटी नहीं देखी तो टेंशन ना लो, आज देख लो। मेरे कमरे की छत से बड़ी दीदी की रोटियां होती हैं। अगर भाई की आंत के रसगुल्ले खाओगे तो भाई को अपनी बीबी देकर जाओगे। अगर घर में मेहमान आ जाए तो भाई को याद कर लेना, आधे खीरे में पूरे मोहल्ले का भंडारा कर देगा। इस भाई को फल छीलना बहुत पसंद है, पर जब इसको छीलने के लिए फल नहीं मिलते तो ये लोगों की खोपड़ियां छील देता है। ये भाई बिजली की रफ्तार से नींबू काटता है। जब पिज्जा की फास्ट डिलीवरी करवानी होती है तो भाई को याद किया जाता है। ये भाई छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी रोटियां बनाता है। जब इसके बच्चे होंगे तो वो इसको मम्मी कहकर बुलाएंगे। भाई के पास दिमाग तो बहुत ज्यादा है, पर चलता बस ऐसे ही कामों में। अगर इतना दिमाग पढ़ाई में चला लेता तो कम से कम चपरासी तो बन जाता।